दोस्तों आज मैं आपसे ओशनिया में मौजूद एक बेहद ही खूबसूरत और एक बेहद ही अलग सी कंट्री समोया के बारे में बात करूंगा, जिसका ऑफिशियल नाम है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ समोया। दोस्तों यहां की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है अपिया, और समोया देश में बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश और समोयन। दोस्तों ये बेहद ही खूबसूरत और कमाल का देश कुल मिलाकर फैला है 2842 स्क्वायर किलोमीटर में। पॉपुलेशन की बात करें तो दोस्तों पूरे देश की पॉपुलेशन है 1,97,000। वहीं दोस्तों HDI का स्कोर है 0.707 और इस तरीके से ये आता है हाई की लिस्ट में, और इसकी रैंकिंग है पूरी दुनिया में 111 नंबर पर। आज के दिन दोस्तों यहां पर चलने वाली करेंसी है समोयन तला, और दोस्तों एक समोयन तला इंडिया में आकर बनते हैं 26 रुपए। तो चलिए दोस्तों यार इस देश को ना थोड़ा और ज्यादा हम करीब से जानते हैं। ओशनिया में मौजूद ये देश दोस्तों बेहद ही ज्यादा छोटा है, इसके चारों तरफ दोस्तों आपको पानी ही पानी देखने को मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ना कभी इसका नाम भी सुना नहीं होगा, लेकिन ये पूरी दुनिया में फेमस है सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको एक बेहद ही ज्यादा डिफरेंट कल्चर भी देखने को मिलेगा और साथ ही डिफरेंट लोग भी। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये पूरी दुनिया से इतना ज्यादा अलग है कि दोस्तों इसका पानी और इसकी हवा बेहद ही ज्यादा क्लीन है। इंडिया से दोस्तों ये देश 12,500 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी बहुत ही लंबा समय लग जाएगा दोस्तों यहाँ पहुँचने में, और ये तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी ज्यादा दूर पड़ेगा। समोया में दोस्तों एक बेहद ही अजीब और गरीब सा लॉ बना हुआ है, जिसके चलते अगर यहाँ कोई भी हस्बैंड यार अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाए तब उसे जेल भी हो सकती है, क्योंकि अगर वाइफ ने कहीं कंप्लेंट कर दी तो यार पुलिस घर पर आ जाएगी। काफी वियर्ड लॉ है लेकिन ये सच है। वैसे तो ज्यादातर लोगों ने इस देश का कभी नाम भी नहीं सुना, लेकिन दोस्तों ये काफी अच्छा खासा देश है। इसमें लिटरेसी रेट है 99%, यानी हर 100 लोगों के पीछे 99 लोग पूरे तरीके से पढ़े लिखे हैं। इंडिया में हम लोग तो दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर ना क्रिकेट के रिलेटेड ही बिल्कुल उससे मिलता जुलता एक और गेम खेला जाता है, जिसे ये लोग कहते हैं किलिकिटी। इस खेल की खास बात यह है कि यहाँ पर टीम में आप जितने चाहे मेंबर ले सकते हो, चाहे आप 50 मेंबर टीम ले लो या फिर 5, पूरा मजा तब भी आप ले ही पाओगे। ये खेल दोस्तों यहाँ के लोकल्स हर दिन शाम को बीचेस पर खेलते हुए नजर आ जाएंगे। पूरी दुनिया में दोस्तों टैटू तो आपको हर देश में देखने को मिल जाएंगे, और टैटू बनाने वाले दोस्तों आर्टिस्ट भी हर देश में एक से एक है, लेकिन यहाँ का टैटू आर्टिस्ट दोस्तों पूरी दुनिया में बेस्ट है, और आज तक के बेस्ट टैटू आर्टिस्ट का अवार्ड सबसे ज्यादा यार यहाँ के टैटू आर्टिस्ट को ही मिला है। यानी अगर टैटू बनाना है तो यार समोया में जाओ, क्या खूब टैटू बनाएंगे ये। समोया एक ऐसा देश है जहाँ पर दोस्तों मेन के लिए बिना स्कर्ट पहनना बहुत ही ज्यादा आम सी बात है। वैसे तो पूरी दुनिया में लड़कियां स्कर्ट पहनती हुई नजर आती है, लेकिन समोया में लड़के भी स्कर्ट पहनते हैं, काफी वियर्ड बात है ये। वैसे तो दोस्तों यार हम सभी ना अपने घरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अगर घर नहीं तो यार ऑफिस में कहीं रहेंगे या फिर जहां हम काम करते हैं, लेकिन समोया के लोग ना थोड़ा उल्टे चलते हैं। यहां के दोस्तों अक्सर ज्यादातर लोग बीचेस में जाकर मजे लेते हैं या फिर कहीं शांति वाली प्लेस पर जाकर मजे से बिल्कुल बैठ जाते हैं। इन लोगों को दोस्तों घर पर रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, यही वजह है कि यहां पर आलीशान लेवल के घर आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन नेचर से जुड़ना इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। इस देश के ज्यादातर लोग यार आदिवासी की तरह बिहेव करते हैं, यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा पछड़ी जातियों के लोग बसे हैं। समोया के बहुत सारे लोग दोस्तों आज के दिन में इंटरनेट से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, और इस देश के दोस्तों ज्यादातर लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से रहना प्रेफर करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में यार लड़कियां कुकिंग में एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन यहाँ की लड़कियां कुकिंग में कम एक्सपर्ट और लड़के ज्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों ये थे यार कुछ कमाल के फैक्ट्स समोया के बारे में। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।